हरि ओम। पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कृष्णादास अनुगुल ओडिशा से आई हूँ। आज का मेरा विषय है मौन की महिमा। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलने पर वास्तविक मौन कहलाता है। बिन जरूरी बोलने पर शक्ति का नाश होता है। 10 शब्द की बातें 6 शब्द में बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि दूसरों को दुख पहुंचे। सबसे आखिर मैंने एक महत्वपूर्ण बात सुना जो कि मेरे जीवन पलट दिया। वह ये था, माता पिता जब हमारी गलती बताते हैं उस समय हमको मौन रहनी चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देनी चाहिए। इससे अद्भुत लाभ होता है। ये बात मैंने पकड़ ली और संकल्प किया कि आज से मैं माता पिता को कभी जवाब नहीं दूंगी। पहले पहले ये मेरे लिए कठिन लगता था। माता पिता कुछ बोलते तो मेरे मन में आता कि मैं इसका तुरंत जवाब दे दूं। फिर मौन की महिमा याद आ जाती थी और मैं मौन रह जाती थी। शुरुआत में तो बाहर से चुप रहती थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बोलती थी। लेकिन इस बार की मौन की महिमा ने मुझे अंदर से चुप रहना सिखा दिया। अब मेरी गलती ना होने पर भी माता पिता कुछ बोलते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, पलट कर जवाब नहीं देती हूँ। जब उनको पता चला कि मेरी गलती ना होने पर भी मैं चुप रहती हूँ तो वह बहुत खुश हो गए। ज्यादा मौन के बारे में और क्या बताऊँ। सिर्फ इतना कहना है कि बाहर के मौन ने मुझे अंदर से मौन रहना सिखा दिया। माता पिता का विश्वास का पात्र बनाया। हरिओम।